नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आपको एक नई सक्सेस से मिलाने जा रहा हूं। कहानी तो आज बड़ी खूबसूरत तरीके से बतलाई जाएगी, लेकिन इस कहानी के पीछे बहुत बड़ा दर्द और संघर्ष रहा। वैसे आजकल ओटीटी पे पंचायत थ्री फेमस हो चुका है। हर एक बड़ा हो किरदार या छोटा किरदार, सबने सबके दिल में छाप छोड़ी है। दीपक जी की लेखनी ने सबको घर घर पहुंचा दिया। चाहे आप विधायक जी की बात करें, चाहे सचिव जी की बात करें, इन दोनों की बात करेंगे तो बम बहादुर को कैसे भूल जाएंगे। महाराजगंज से निकला वो लड़का जिसने कोविड में वो सारे दंज देखे, साइकिल की दुकान से लेके फर्नीचर के दुकान में कील टोकने का भी काम किया, लेकिन एक हौसला और एक इरादा नेक था कि एक दिन माया नगरी में अपना ही लोहा चमकेगा। वक्त लगा, लेकिन सब कुछ हुआ और वो वक्त आ चुका है। क्योंकि पंचायत में कबूतर तो उड़ गया, लौकी के बाद कबूतर की खूब चर्चाएं हो रही हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित कुमार मौर्य जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसा रहा जर्नी? मैं तो सब कुछ आपके बारे में, लेकिन दर्शकों को बताना भी हम लोगों का अधिकार होता है। मैं जानना चाहूंगा, अपने बचपन के बारे में बताएं, अपनी प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं। कब आपको लगा कि आपको अभिनय ही करना चाहिए, अभिनय की दुनिया में आपको जाना चाहिए? जी, ये तो ऑलमोस्ट तय कर चुका था मैं 2008 में, पर किसी से बोला नहीं था कि मुझे यही करना है। 2010 में मैंने खुल के अपनी माता जी से बात करी इस विषय पे कि मुझे यही करना है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो। मैंने आईटीआई किया हुआ है, ड्राफ्टमैन सिविल से, तो उन्होंने कहा कि उससे काम जी जी शुरू करो, पहले बाहर निकलो ताकि चीजें बने, और जिस दिन तुम्हें लगेगा कि ये वाला ये इस क्षेत्र में जा सकते हैं उस दिन इसको छोड़ के चले जाना। तो वहां से मुझे आइडिया अच्छा लगा माता जी का, तो फिर मैं वहां से उस तरफ निकला और गोरखपुर में मैंने 2 साल, 2010 से 12 तक मैंने वही काम किया, ड्राफ्टमैन सिविल के, उसमें इंजीनियर के, एक इंजीनियर उनके अंडर में। और उसके बाद फिर मुझे एक पोस्टर दिखा गोरखपुर में लगा हुआ था कि फिल्म और सीरियल्स में काम करने के लिए अभिनेता, इच्छुक अभिनेता संपर्क करें, तो फिर वहां से मैंने पता किया, तो वहां पर थिएटर के बारे में पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ये होता है। फिर वहां से मैंने वहां पर थिएटर ज्वाइन किया जाके, और फिर पता लगा कि पढ़ना नहीं आता है, हिंदी नहीं पढ़ना आता है, सब चीजें, तो धीरे 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 सीखना शुरू किया और 2016 तक वहां रहा गोरखपुर में। फिर सोलह में ही मेरा एड मिला। हेलो, कितना चुनौती आप देखते हैं महाराजगंज से मुंबई का सफर, कितना चुनौती भरा रहा? क्या क्या चैलेंजेस आए जब मुंबई पहुंचे? कहाँ रहते थे? कैसे क्या रही जर्नी, उस पर भी थोड़ा बताएं सर। जी महाराजगंज में जो जगह है, जहां से मैं हूँ, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वो बहुत छोटा गांव है, और उस जगह पे मतलब कि गांव में अभी भी हर जगह पर लगभग लगभग ये चीजें हैं कि अगर आप अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो लोगों की अलग तरह की प्रक्रिया आती है, अलग तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, अलग नजरिए से देखते हैं आपको कि ये क्या, मतलब सारा काम छोड़ करके अलग ही दुनिया में कहाँ जा रहा है ये। तो उस सबसे पहला चैलेंज तो वही है कि उसको, उससे बाहर निकलना, अपने आप को, खुद को बाहर निकालना उससे। शुरू शुरू में थोड़ा सा फर्क पड़ता था लोगों की बातों का, लेकिन धीरे धीरे फिर ये हुआ कि ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसको साइड करते हैं, मुझे जो करना है मैं उस पर सही फोकस बात, करूंगा। हाँ, तो सबसे पहले ये था कि घर वालों को अपने मनाना, पहली चीज, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे लिए यही थी, और धीरे धीरे काम करके मैंने साबित किया घर वालों के सामने, फिर उनका भरपूर सपोर्ट मिला, मेरे बड़े भाई, माता जी, पिताजी, भाभी, मेरी दोनों बड़ी बहनें, सबका सपोर्ट मिला। शुरुआत में घर वालों का सपोर्ट होता है मुझे लगता है, तो मुझे उनका सपोर्ट मिला, अगल बगल के क्षेत्रवासियों का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि चीजें मैं कर रहा था तो लोगों को लग रहा था कि हाँ अब ये कुछ तो करेगा, और कुछ लोग जो
आर्ट की फील्ड से जुड़ना चाहते थे जो नहीं जुड़ पाए, उन लोगों ने भी मुझसे संपर्क किया और बोले कि हम तो नहीं कर पाए अमित, पर हम चाहते हैं कि तुम करो, एक बड़ा तो कॉम्प्लीमेंट है उनका भी सर, बड़ा कि सपोर्ट। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अमित जी कि जो नहीं कर पाए वो आपके सहारे अपने सपने देख रहे हैं। थोड़ा परिवार के बारे में जी बताएं, परिवार में कौन कौन है, भैया क्या करते हैं आपके, पापा क्या करते हैं, मम्मी, सबके बारे में बताएं। आज हम एकदम समय लेके बैठे हैं, आपको पब्लिक से अमित क्या है, अमित के अंदर के कितने करुणा दर्द संघर्ष है आज जानना चाहिए। पंचायत में तो आपने कबूतर तो उड़वा दिया, विधायक जी को फंसवा दिया, मीडिया में उनके खबरें चल गई, लेकिन अमित के परिवार कैसे हैं, अमित जी के, उसके बारे में बताएं आप। मेरे पिताजी हैं वो, मतलब पहले एक जगह है गोरखपुर में सरदार नगर करके, वहाँ चीनी मिल में वो काम करते थे, तो वो बहुत पहले ही बंद पड़ गई। 2000 मुझे याद है, 2002 2003 की बात है। उसके बाद से पिताजी घर ही पे हैं, और खेती बाड़ी थोड़ी बहुत खेती है तो उसमें अपना वो लगे रहते हैं, दिन भर अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और माता जी मेरी जो है वो आंगनबाड़ी में है, तो पिताजी मतलब उनके साथ भी जाते आते रहते हैं, पूरा सपोर्ट रहता है उनका। और मेरे जो बड़े भाई हैं वो बजाज एलियंस करके एक है जो गाड़ियों का बीमा वगैरह, तो उनके अंदर में 5-6 जिला हैं, तो वो घूम के उनको देखते रहते हैं वहाँ पर। और दो मेरी बड़ी बहनें हैं, तो वो लोग अपने अपने घर पे हैं। और मेरी भाभी हैं, मेरे दो भतीजे हैं, और तो ऐसे मेरे दो चाचा भी हैं। एक चाचा LIC में काम करते हैं और दूसरे साइकिल की दुकान है उनकी, तो वहां पर और वो अपना साइकिल काम वाला करते हैं। किस्सा क्या है, आपको एक समय ऐसा आया कोविड के टाइम, क्या सुसाइड करने के लिए सोचे, चाचा की साइकिल की दुकान पे भी काम किया, वो समय कैसा रहा, उससे कैसे आप ओवर लाइफ कर पाए, वो थोड़ा बताएं, क्योंकि आज के युवा बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन आप उदाहरण है उनके लिए, उनके लिए प्रेरणा है कि काम करना है कैसे भी करना है। जी ये 2008 की बात है। जब मैं ITI कर रहा था तो 2 साल का था वो कोर्स, तो काम वहाँ जाके करता था, वहाँ पर पढ़ाई करता था, और वापस वहाँ से, मेरे वहाँ से स्कूल जो ITI का स्कूल था वो 14 किलोमीटर करीब करीब पड़ेगा, तो वहाँ पर जाना फिर वापस आना, और फिर चाचा की दुकान रास्ते बीच में ही पड़ती थी, घर से 4-5 किलोमीटर दूर है, तो वहीं पर रुक करके शाम को वहीं पे उनके साथ ही थोड़ा बहुत कर लेता था काम, कि चलो कुछ तो जो 2-4 पैसे आ जाएंगे तो वो हो जाता था। और प्लस बीच में मैंने एक पेंटर थे उनकी दुकान पे भी रहना शुरू किया था कि कुछ थोड़ा सा सीख लूंगा, मुझे आर्ट में थोड़ी सी दिलचस्पी है, तो मैंने वहां पे भी रह के कुछ दिन सीखा। और फिर चाचा की दुकान पे तो काम करता ही रहा, शुरुआती दौर में भी चाचा ने भी बहुत सपोर्ट किया है हमारा, तो वो चीजें तो चलती रही है शुरुआत से। आज आप गांव जाते होंगे तो पहले वाले अमित में आप वाले अमित में कितना अंतर देखते हैं, लोगों का प्यार रिस्पांस तो सब कुछ बदल गया होगा। अभी तो जब से पंचायत आया तब से अभी घर नहीं गया हूँ, जाना है मुझे, जुलाई लास्ट में जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा एक शो चल रहा है, उसकी तैयारी चल रही है, 9 तारीख को शो है मेरा, तो इसलिए वजह से थोड़ा सा अभी तो घर जाने की सोच रहा हूँ बस यही। और पंचायत रहा आपको सवाल इतनी, पहले के, हाँ पहले जी जी के अमित और आप अब के पूरा कर अमित लीजिए। में, तो कुछ, हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि मुझे नॉवेल पढ़ने का शौक जो हुआ वो मेरे पिताजी से मुझे मिला, और अब मुझे मतलब कि अगर मैं घर पे भी जाता हूँ तो मेरे दो जगह पे टाइम व्यतीत होता है, एक तो जो मेरी भैंस, एक दो भैंसे हैं मेरे घर पे, तो उनके साथ और किताबों के साथ, या दो टाइम यहाँ ज्यादा व्यतीत होता है। आपने इकबाल वाली मूवी याद करा दी, जो क्रिकेट पे बनी है, भैंसों को कपिल देव फलाना नाम रख के फिर बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे, आप शायद वो मूवी देखे होंगे, इकबाल। हाँ हाँ देखा मैंने इकबाल, हाँ पंचायत जी से आपको इतनी प्रसिद्धि मिली, पंचायत के बम बहादुर के किरदार के बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस रोल को निभाने में, क्या क्या चैलेंजेस रहे, कैसे आपने तैयार किया इस पे काम करने के लिए अपने क्राफ्ट पे। पहले तो ये कैरेक्टर मुझे ऐसे मिला जैसे, मतलब क्या ही बोलूं, अलग ही कहानी है उसकी, कि बताएं, बिल्कुल बताएं, हम मैंने, सुनने के हाँ लिए बैठे हैं। जी, तो पहले सबसे पहले तो मुझे जब कास्टिंग बेस से आया था मुझे मैसेज सूर्यांश त्रिपाठी जी का, तो उन्होंने बोला कि अमित जी एक पंचायत में एक नए सचिव का कैरेक्टर है, आप करेंगे?
मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है ऑडिशन बना के भेजिए। तो मैंने मतलब पूरा सेटअप लगाया, सीनियर्स का बड़ा सहयोग रहा उस को बनवाने में मेरे, और बना ऑडिशन अच्छा गया, तो इसलिए उम्मीद बन गई इससे कि अच्छा गया। फिर एक दो बार तीन बार रीटेक आया कि इसमें इस चीज़ें सुधार लीजिए, ये चीज़ें सुधार लीजिए, सब कुछ करके भेजता गया भेजता गया, और चीज़ें और पुख्ता होती गई कि इतनी बार मंगवा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उसमें हूँ, उनकी नज़र में हूँ, कहीं ना कहीं मेरा अच्छा जा रहा है। और फिर एटलीस्ट एक दिन फोन आता है मुझे कि अमित जी इसमें आपका नहीं हुआ, और एक छोटा सा कैरेक्टर है 2 दिन का बम बहादुर नाम से, वो कबूतर पालता है और वो करेंगे आप। तो मैं बिल्कुल हताश हो गया था, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा मैं सोच के बताता हूँ आपको। और फिर मैं सीनियर्स की जो घर है जहाँ पे उनका, उस बिल्डिंग के नीचे ही था, मैं ऊपर चढ़ा और बैठ करके कुर्सी पर चुपचाप जाके बैठा और मैं बिल्कुल रो रहा था। तो उन्होंने देखा मेरे सीनियर्स ने, बोले क्या हुआ? तो मैंने कहा दादा जो दिया था ऑडिशन उसमें नहीं हुआ। तो बोले इसमें रोने वाली क्या बात है, तूने तो बहुत सारे ऑडिशन दिए जिसमें नहीं हुआ, तो तू तो इस तरह से कभी नहीं दिखा। ठीक है नहीं हुआ नहीं हुआ, इसमें इतना क्यों? मैंने कहा दादा पहला तो ये लगा था कि यार कहाँ छूट गया, दूसरे सीजन में। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसे ऑडिशन तो बहुत सारे तुमने दिए हैं, तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात है। मैंने कहा दादा इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि ऑडिशन भी अच्छा गया था, आपने भी देखा ही था सब कुछ कैसे हुआ था। वैसे मुझे एक छोटे से कैरेक्टर के लिए पूछा गया जो 2 दिन का है, तो अभी तो मैंने उनको कुछ हाँ नहीं कुछ नहीं बोला है। तो उन्होंने कहा कि तो कर, उसमें कौन सी अच्छी तो बात है, कम से कम एक नहीं मिला तो दूसरे के लिए पूछ तो रहे हैं तुझे। तो मैंने कहा दादा केवल 2 दिन का है। उन्होंने कहा क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छा तो है कम से कम तुझे पूछ रहे हैं, और इंडिया की सबसे फेमस वेब सीरीज है, इसमें हो सकता है कौन सा वीडियो कौन सी आवाज तुझे वायरल हो जाए, तेरी कौन कोई पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है दादा, बोले फोन कर मेरे सामने, फोन कर उसको, उनको बोल कि हाँ ठीक है मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो उनके सामने उन्होंने अपने से फोन करवाया और मैंने उनको बोला कि ठीक है और मैं करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है ऑडिशन देने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है और आपका इसमें उसी के बेस पर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो मतलब मुझे सीनियर का नहीं काफी पता था सपोर्ट कि रहा। बम्बा, बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि मतलब भगवान मेरे लिए और बड़ी चीज सोच के रखे हैं। तो उस समय दुख हुआ था मुझे बहुत, लेकिन बाद में जब ये चीजें हुई और जो कैरेक्टर जैसे निकल के आया, तो फिर लगा कि हाँ सही हुआ, अच्छा हुआ चीजें उसमें नहीं हुआ, ये मेरे बहुत लिए अच्छा था। हाँ ये चीजें हुई, ये चीजें हुई, नो डाउट। तो जितेंद्र वही है जी कि मतलब जी हाँ जी जी जी, कंप्लीट कर ले आप। मैं यही कह रहा था कि शुरुआत में मतलब कि कभी कभी जब हम चीजें कुछ चीजें लेकर सोचते हैं ना, दुखी होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होना है, लेकिन कभी कभी चीजें चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एकदम से चमत्कारिक लगती हैं कि यार ये मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ यार, ये तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। तो वैसा कुछ हुआ मेरे साथ। जितेंद्र जी के साथ, रघुवीर जी के साथ आपके कई सारे सीन्स हैं, कैसा उनके साथ बॉन्डिंग रहा काम करने का, कैसा ऑफ स्क्रीन या सेट पे कैसी गॉसिप से आप बॉन्डिंग थी आप सबकी? बहुत मजेदार रहा है दोनों लोगों के साथ। दोनों लोगों के साथ क्या, नीना मैम के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। मतलब जैसे गांव के लोग नहीं होते हैं कि सबको जान रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं कि ये मेरे प्रधान जी हैं और ये उनकी वाइफ हैं, तो इनके साथ क्या रिश्ता होगा, क्या कैसी बॉन्डिंग होगी। और एक आदमी जो बाहर से आया है हमारे पंचायत ऑफिस में काम करने के लिए, उसके साथ कैसी चीजें कैसे इंटरेक्शन होगा, वो चीजें, तो वो सारी चीजें मतलब बहुत कमाल की रही हैं। और रहा सवाल की बैक स्टोरी, तो बैक में बहुत इंजॉय करते थे हम लोग। जैसे कि ये वो दौड़ के भागने वाला सीन मेरा सबसे पहला पहला वही लगा था कि ऑफिस में घुस रहा हूँ और आके हंसते हुए बोलना था, तो एक दो टेक में गड़बड़ हो गया था। तो रघुवीर सर पानी देते थे, ये ले ले पानी पी पानी पी। कितना तेज भाग रहा, आराम से भाग भाई आराम से, ऐसे करके मैं बोलता था सॉरी अब इतनी स्पीड में भगा रहे हैं सर, तो मैं उसी हिसाब से भागूंगा ना। तो बोलते अरे दीपक थोड़ा इसको कम भगाओ भाई। तो ऐसे करके पूरा बहुत मजेदार, बहुत मजेदार।
जब आप तालाब पे बैठे रहते हैं, जब दो बगल में बैठते हैं आप भागते हैं मिल्खा सिंह की तरह दौड़ लगाते हैं, अरे सचिन जी की रांझी, वो तो आपका एपिक सीन था उसमें। उसमें बिल्कुल लग रहा था कि आपने वाकई में ये फील नहीं होने दिया कि अमित मौर्या वो कर रहे हैं, वहां वाकई में आप बम बहादुर थे, उस क्रॉप में, उस सीन में आप एकदम डूब गए थे, और वो काम दिखा बिल्कुल, वो पूरा सीन वहां से भागते हुए सचिवालय ऑफिस में आना कमाल का था। लोगों को लगता है कि वो बहुत आसान रहा होगा, लेकिन आपको नए किरदार में अमित के इतर एक वो किरदार था, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अगर आप बात उसके कर पीछे, जी हाँ, जैसे जी कि जी हम लोग जो तीनों लोग जो थे वो हमें तीनों लोगों का पूरा दिन शूट होना था। तो ये हुआ कि हम लोग तीनों लोग साथ में ही एक गाड़ी से निकले और तीनों लोग साथ ही सेट पर पहुंचे। तो हम लोगों ने रास्ते भर पूरा इम्प्रोवाइज किया कि हम इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ से ऐसे कर लेंगे, फिर अमित भाई आप ऐसे देखिएगा और फिर हमें ऐसे रिएक्शन दीजिएगा। तो हमने सब पूरा एकदम से तैयारी करके पूरा बैठे हुए हैं कि जैसे सर बोलेंगे एक्शन, हम अपना करना शुरू करेंगे। तो पहला ऐसे लगा और शूट होना शुरू हुआ और हमने जो जो प्लानिंग करी थी हम तीनों लोगों ने मिलके, वो हमने शुरू किया करना। दीपक सर आए, बोले नहीं 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 ये नहीं करना है, इसको जैसे लिखा गया है वैसे ही करो और बहुत अंडरटोन खेलो थोड़ा सा। तो उन्होंने जैसे जैसे कहा हमने वैसे वैसे किया। जहां भी चीजें हैं आपको जैसी भी जो भी दिख रही हैं वो सब उन्हीं का कमाल है, दीपक सर स्टोरी का। कमाल की लिखते हैं, नो और डाउट। जब ये स्टोरी जो चंदन सर लिखते हैं, चंदन चंदन सर, कुमार बिल्कुल चंदन सर और जी, दो दीपक जी का कॉम्बिनेशन, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, डायरेक्शन करते हैं, दोनों का जो डेडली कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, पेयर खतरनाक में हाँ कुछ भी बना सकते हैं। घर के सामने वाली रोड जो खराब है उसे रोड को एकदम बढ़िया हाईवे बना सकते हैं, और कबूतर सफेद हो, कुछ भी कर सकते हैं, उनके उन दोनों की जोड़ी कमाल की है। हाँ तो ये जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा था तो मुझे सबसे प्यारा सीन ये लगा था तालाब वाला। तो वो वैसे निकल के भी उसी तरह से आया, बहुत नहीं लोग बहुत बिल्कुल, पसंद कर बहुत रहे अच्छा वो हैं, सीन बहुत था। पसंद कर रहे हैं लोग, बहुत पसंद कर रहे हैं। अब तक के आपके फिल्मों और वेब सीरीज को मिला दें तो सबसे आपके दिल के करीब कौन सा आपका किरदार या भूमिका आपको सबसे अच्छी लगती है और क्यों लगती है? देखिए अभी तक मैंने तो छोटे छोटे ऐसे ही कैरेक्टर किए हैं, छोटे छोटे कि एक दो दिन वाले, एक दो दिन वाले। और ये सबसे बड़ी वेब सीरीज है और सबसे बड़ा, मतलब कि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और जिस टाइम मतलब कि थोड़ा एक्साइटेड भी था कि अच्छा काम आएगा, उसी टाइम थोड़ा सा डर भी था अंदर कि अच्छा नहीं निकल के आया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए, या तो सीढ़ी है मेरे लिए, या तो ये सीढ़ी नीचे लेके जाएगी या सीढ़ी ऊपर लेके ना जाएगी। तो इतने लोगों की उसका, दुआएं, हाँ सीढ़ी ऊपर ही जाएगी अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जा रही है। तो वो थोड़ा सा उसके लिए कि लेके थोड़ी सी चिंता थी। लेकिन एक चीज और है कि ये कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, नो डाउट, इसमें कोई कहने वाली ही बात नहीं है पूछने की। तो सर मैं तो यही कहूंगा कि इसके दो चार चीजें हैं, कारण है इसके पीछे। कि पहली बात तो चंदन सर ने लिखा जिस तरीके से है कि एक साधारण सा इंसान है, गांव भी उतनी तवज्जो नहीं देते होंगे, अपने में रहता होगा, कबूतर पालता है और अपना जो भी छोटा मोटा जहां से भी पैसे, दो चार पैसे कमा करके अपना पेट पालता है। वो आदमी अचानक से गांव का एक तरह से हीरो बन के निकला, एक तरह से कहें बिल्कुल तो हाँ। तो वो चीज मेरे लिए बड़ा कमाल थी कि यार एक कबूतर पालने वाला इंसान भी अपनी लाइफ में हीरो है। आज से पहले इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में बनी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन कभी एक चाय वाला या फिर एक पान वाला इस तरह से मतलब अपना कैरेक्टर लेकर के नहीं निकला है। और मतलब मुझे लगता है कि हर इंसान अपने लाइफ में हीरो है, बिल्कुल। वो और कैसा दिखता है, क्या टीवीएफ अपने नए किरदारों करता पे है, भरोसा ये जिस तरीके से नहीं है। जताता है, यही तो टीवीएफ की बहुत खासियत है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। देखिए आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, क्या क्या प्लान्स हैं, क्या पाइपलाइन में है फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में? तीन चार प्रोजेक्ट हैं जो अभी एकदम बैक टू बैक हैं पाइपलाइन में, बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। और फ्यूचर का ये है कि मैं मतलब कि
अलग अलग तरीके के मतलब रोल करना चाहता हूँ, ताकि मतलब ये एक होता है ना कि एक तो वो उसमें बांध देते हैं एक चीज में, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अलग अलग एक ही तरीके, रोल में। हाँ हाँ तो उस तरह के नाम करें और नए नए तरीके के कैरेक्टर मिले और नए नए डायरेक्टरों के साथ भी काम करना चाहूंगा। और इंस्टाग्राम पे तो फॉलोअर सोशल मीडिया पे तो बढ़ गए होंगे बम बहादुर अमित मौर्य को ढूंढ ढूंढ के, बहुत जी, सारा बहुत प्यार मिला बड़े होगा। और बहुत सारे दर्शकों का बहुत सारा मैसेज आ रहा है, बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो लोगों ने मैसेज नहीं किया, देखा है और लोग बातचीत कर रहे हैं आसपास में इस चीज को लेकर के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक लास्ट वेगस से एक मैसेज आया था, जो यहाँ से भारत के जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं, तो उन लोगों का भी मैसेज आया कि हमने पंचायत को जो है कम से कम 25 से 30 लोगों ने एक साथ बैठ करके देखा और हमने आपके कैरेक्टर पर बहुत सारी चर्चाएं की और बहुत मजा आया, एक बार गांव जीने का मौका मिला हमें आपके आप लोगों के जरिए। थैंक्स टू TVF और अमेजन प्राइम और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से मैसेज बड़ी आया है। बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, इससे बड़ा क्या अवार्ड होगा जी अमित जी की, बिल्कुल मतलब बिल्कुल लोग बाहर भी सराहा रहे हैं बिल्कुल। आपको। और मुझे तो नेपाल से मैसेज आया कि अमित जी जो आपका नाम है ना बम बहादुर, ये नेपाल में बहुत ही कॉमन नेम है, बहादुर बम बहादुर, इस तरह के मतलब हर दूसरे तीसरे घर में आपको ये नाम मिल जाएगा। तो हमने तो एकदम से ऐसा लगा कि ये नेपाल का कोई बंदा है जो जाके TVF और इस जगह पे काम कर रहा है और उसका नाम बम बहादुर है, तो हमें बहुत मजा आया। कुछ लोगों ने तो महाराजगंज मुझे, से ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ हमारा जी बिल्कुल सटा हुआ है, बॉर्डर इलाका है वो तो मैं तो जाता भी रहता हूँ उधर घूमने भी, नेपाल वगैरह जी तो मुझे तो पता है सारी चीजें लगभग। आप अपने पूरे एक्सपीरियंस के आधार पे उन युवाओं को क्या एक मैसेज या क्या बताना चाहेंगे जो मुंबई आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपने कोविड का दंड से झेला, आप सुसाइड तक करना करने जा रहे थे, दोस्तों का सपोर्ट मिला, सब कुछ घूम फिरा के आपने अपना मुकाम और नाम बताया। कई लोग गिव अप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। वो अमित से ये जानना चाहेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद आप भी चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो मिला सब करते गए और आज तो हर जगह चर्चा हो रही है। युवाओं के लिए सिर्फ ये कहूंगा कि जो लोग हैं, जो लोग इसमें इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि काम तो काम है और हर जगह चुनौतियां हैं हर जगह। अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों की मतलब कि एक तरह से हर जगह लाइन लगी पड़ी हुई है और बहुत सारे लोग टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड लोग हैं और वो लोग आना चाहते हैं, चाहे किसी फील्ड में भी जाना चाहते हैं। तो सिर्फ उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा उसके आधार पर, कि अगर आप खुद से ईमानदार हैं तो आप कोई भी फील्ड हो, कहीं भी हो, आप वहां पर आपको सफलता मिलनी जरूरी है, मिलेगी ही मिलेगी, जरूर कितनी आपने मिलेगी। गहरी बात, बहुत गहरी बात और बहुत बड़ी बात बोली। समझने वालों के लिए तो समझ आए, ना समझने वालों के लिए उनको सदियां लग जाएंगी, नहीं समझ पाएंगी। आप काम, जैसे मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, बिना रिसर्च के मैं आपके साथ बैठूं, आपसे सवाल पूछूं, तो इंटरव्यू का मतलब नहीं रहेगा। ईमानदारी मतलब कि आप अपने काम पे, अपने क्राफ्ट पे, उस पर रिसर्च करिए, उस पर रिएक्ट करिए, उस पर बातचीत करिए अपने आसपास के लोगों से, वो आपको और जी तराशेंगे। जैसे हीरो को जी तराशते हैं तो बिल्कुल और चमकता है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आप बिल्कुल। इन्हें के अलावा क्या क्या करते हैं अमित जी? अब मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, खास करके नॉवेल, क्योंकि मुझे लगता है ये मुझे विरासत में मिली है मेरे पिताजी से, वो अच्छा बहुत उनको पढ़ने का शौक है, नॉवेल पढ़ने का उनको बहुत शौक है। मुझे याद है कि वो चीनी मिल में काम करते थे, तो वो जब भी आते थे ना तो उनके साथ एक नॉवेल हुआ करती थी, और तब ये मतलब लाइट है वो उस तरह की नहीं थी, तो लालटेन के सामने वो लगातार पढ़ते रहते थे तो उनको अभी भी पढ़ने का बहुत शौक है, अभी भी मैं जाता हूँ तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि ये किताब अगर मिले तो ले आना तो पढ़ने का शौक है। दूसरा मुझे स्केचिंग करना, मुझे मतलब बनाना पेंटिंग वगैरह, तो मेरी छोटी वाह, सिस्टर बहुत, हाँ तो मेरी छोटी वाली सिस्टर बहुत इंटरेस्टिंग मतलब कि वो इंटरेस्टेड थी सब करने के लिए, तो उनसे शायद ये मुझे मिला है। और मेरे बड़े भाई जो हैं वो हर चीज मतलब कि एक तरह से गाइड करते रहते हैं कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, इसको थोड़ा सा इधर कर लो, ये चीज ध्यान रखो,
वो उनका गाइडेंस मुझे हमेशा मिलता रहा है, नो नाम डाउट कि कभी कभी डांट भी खाई आप नाम बताएं उनका, दोनों का नाम बताएं, क्योंकि वो भी डिजर्व करते हैं, आपने यहाँ मुकाम उन सब के बिना अधूरा था, उनका नाम बताएं, लोग उनसे भी जुड़े, उनको भी प्यार दें, दुआएं दें कि अमित को हम सबको हंसाने के लिए आपने यहाँ तक तैयार किया, तो उसके पीछे जो हाथ है उनका नाम तो जानना चाहिए। जी। मेरे पिताजी का नाम है श्री जनार्दन मौर्य, माताजी का और नाम है भैया का? श्रीमती शारदा देवी, जी और मेरी जो बड़ी बहन है उसके बाद भाई था, तो इसलिए उनका नंबर इस तरह से आएगा। बड़ी बहन का नाम है मंजू मौर्य, और छोटी सिस्टर का नाम है अंजू, और बड़े भाई का नाम है मनोज, और मेरा अमित कुमार मौर्य। तो ऐसे ओके, करके। आपके जीवन और को, जी 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 बताएं बताएं। मतलब मुझे सबका सपोर्ट मिला है बहुत, मतलब कि अगर सपोर्ट नहीं रहा होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। बिल्कुल तो सब लोगों ने, मतलब कि मेरी बड़ी बहन भी आज भी मतलब कि ये डांटती रहती है कि ये चीजें सही से करो। और जब मेरे मतलब कि मेरे भांजे लोग हैं ना, उनके सामने जब मुझे डांट पड़ती है, मैं सर नीचे करके ऐसे सुनता हूँ, तो वो लोग बहुत टांग मजल खिंचाई करते मजल, तो हैं। मामा आज आपकी खैर ले, मम्मा डांट लगाए। बहुत हाँ ये वाली तो बहुत मतलब ऐसे रहा है। आपके जीवन का कोई ऐसा यादगार पल जो हम लोग के साथ साझा करना चाहते हो आप? मुझे सबसे मतलब कि मजेदार लगा था कि मैं गोरखपुर में अपना थिएटर कर रहा था, और घर पर मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं इस तरह की गतिविधियों में भी लगा हुआ हूँ। और मैं सवेरे 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 बिल्कुल 6 बजे मेरी वहाँ क्लास लगती थी थिएटर में, और 10 बजे तक वहाँ, और फिर वहाँ से मैं तुरंत भाग के साइकिल से आता था अपने ऑफिस पे, और ऑफिस पे पूरे दिन रहता था, रात में 10-11 बजे तक वहाँ रहता था, फिर उसके बाद घर जाता था रूम पर अपने। और मेरा रूम जो है मतलब गोरखपुर से डिस्टेंस मेरे घर का 40 से 45 किलोमीटर दूर है, तो किसी को पता नहीं था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, सिर्फ ये मुझे पता था और मेरे जो रूम पार्टनर थे उनको पता था। तो उन्होंने के पता नहीं कहाँ से कैसे खबर चली, मुझे नहीं पता, एक दिन घर गया और बड़े भाई साहब बोले यहाँ बैठो, मम्मी को बुलाया, और मेरी वो दोनों बहनें थी उनको, और भाभी तो मतलब मेरे सपोर्ट में हमेशा रही हैं, तो वो मतलब कि कुछ भी हो वो सपोर्ट करती है हमेशा। तो पूछा गया मुझसे कि क्या करते हो गोरखपुर में, तो मैंने कहा कि मैं क्या वही काम करता हूँ और क्या करता हूँ। तो बोले तुम्हें क्या लगता है कि तुम छुपा ले जाओ अगर हमें कुछ पता नहीं चलेगा, कि तुम जो जो करते हो मुझे सब पता है। अब मैं डर गया बिल्कुल, मैंने कहा रे बाप रे बाप, ये तो लग रहा पता लग गया। उसके बाद बोले बता तू अपने मुंह से बता, मुझे तो सब पता है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बताया कि मैं नाटक करता हूँ और ये चीजें ऐसे ऐसे, और बीच में मैं अभी एक जगह पे गया हुआ था कंपटीशन में, उड़ीसा गया हुआ था मैं, वहाँ बीच में अपने ग्रुप के साथ ही रंगाश्रम थिएटर करके वहां पर वो चलता है, तो उसके तो उड़ीसा में 3 दिन रहा 4 दिन रहा। तो बोले कि बताओ अगर मान लो कि इन केस कुछ भी हो जाए, मान लो तुम, हमें पता है कि तुम गोरखपुर में हो और हमें नहीं पता कि तुम उड़ीसा गए थे, कब आए क्या हुआ, इस बीच में अगर कहीं कुछ हो जाता तो क्या होता, हमें तो नहीं पता लगता ना, वो तुम्हें प्यार करना है, है वो तो हमसे दर्द, पता नहीं करो। वो जो केयर वाली हाँ भावना है ना, वही डांटती। जी बताएं। तो उन्होंने कहा, और फिर बड़ी दीदी ने भी बोला कि अब से आज के बाद कुछ भी करो बताओ, हम मना थोड़ा कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के। माताजी ने भी यही बोला, छोटी वाली सिस्टर ने भी समझाया, फिर भाभी हंस रही थी। मैंने भाभी को थोड़ा बहुत बता रखा था कि मतलब ऐसा कुछ है। तो ये चीजें थी, ये मतलब बहुत कमाल चीज थी। और एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे रूम पार्टनर थे वो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो एक का बोला कि हो सकता है कि यूपीपी में मेरा हो जाए, तो मैंने मजाक मजाक में हमने डिस्कस किया था कि ठीक है, और यूपीपी के जब पुलिस वाले बन जाओगे भाई, और मैं जब एक्टर बन के लौटूंगा तो मैं फोन करूंगा कहाँ हो, मेरे सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले चाहिए। और अभी कल परसों में मेरी उससे बात हुई, तो मैंने कहा क्या कह रहा यार लगना पड़ेगा। तो इस तरह से चीजें, छोटी छोटी जो चीजें अभी भी मुझे याद है,
और हमेशा वो चीजें याद रहेंगी, सबका बिल्कुल। सपोर्ट जो मिला वो हमेशा याद रहेगा मुझे। हाँ मैंने सुना आज भी आप थिएटर करते हैं 7 से 12 रात में। आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं, जी, क्योंकि अभी लोगों लोगों को लगता है कि एक बार फेम मिल गया आसान है तो बहुत। सब कुछ सही चल रहा है। दिनचर्या के बारे में बताएं, सुबह से लेके आप रात तक क्या करते हैं। मैंने सुना 7 से 5 थिएटर। मैंने कहा तभी अमित बम्बहादुर के रोल में इतने आपको निखार पाए, क्योंकि आज भी उतनी मेहनत और शिद्दत से काम करते हैं। जी, एक दिन हुआ क्या कि मेरे बड़े भाई का फोन आया, ये 2021-22 की बात है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ थिएटर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू वगैरह देखा था, नसीर सर का भी इंटरव्यू देखा था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि वहाँ भी थिएटर करना शुरू करो ताकि चीज़ें प्रैक्टिस में रहें। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक वेब सीरीज करी है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर करके, उसमें बहुत छोटा सा हाँ कैरेक्टर था, हाँ तो मानव कौल सर के साथ था, तो वो उनकी ग्रुप के साथ मैंने बातचीत की, सर मैं जुड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है अमित, और लकली मुझे 1 महीने बाद ही मुझे वहां से कॉल आ गया उनके ग्रुप से कि अमित और एक प्ले है उसमें करना चाहोगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो रंगाई करके एक प्ले लिखा गया था जिसके राइटर डायरेक्टर थे त्रिनेत्र तिवारी, तो उनके साथ मैंने काम किया। तो वो प्ले 2022 में हुआ था पृथ्वी थिएटर में, और वो अभी कंटिन्यू चल रहा था। अभी फिर नया हमने नया उन्होंने नया शो लिखा है आवारा करके, जिसका 9 तारीख को शो है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि अच्छा शो निकल के आए, थोड़ा बेहतर हो। तो हम लोग जो है रात के क्या शाम के 7 बजे से लेके 12 बजे तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप तो 2024 में खूब ढेर सारा कमाल करें, और सीजन 4 में आपके कैरेक्टर को, आपके किरदार को चंदन सर और दीपक सर और स्पेस दें। 2000 जो सीजन 4 मैंने सुना है कि लिखा जा रहा है, और दिसंबर तक आई जी थिंक शूट भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें आपको बड़ा रोल और बड़ा स्पेस मिले, यही दुआएं हैं फैंस के, यही दुआएं कर रहे हैं। और हमें आपने वक्त दिया, इतनी प्यारी बातें लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी जी मेरा प्रणाम है, और आप लोग इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। आप लोगों का मैसेज और ये चीजें पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि हमारी बात कौन सी अच्छी लगी, क्या अच्छी लगी, और क्या जानना चाहते हैं आप हमारे बारे में। बिल्कुल। अमित जी के बारे में और क्या जानना चाहेंगे, इनके इंस्टाग्राम पे आप जुड़े हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इनको आप मैसेज भी करते हैं, डीएम तो रिप्लाई करते ही दिखाता है कि आज भी ये जमीन से जुड़े हुए हैं। इस हफ्ते अमित जी के साथ खूब सारी बातचीत हुई, अगले हफ्ते नई शख्सियत के साथ आप सबको रूबरू कराऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, और ऐसे इनसाइड और गॉसिप्स वाले इंटरव्यू देखते रहें। थैंक यू अगेन अमित जी। थैंक यू आपका भी।